वेलकम टू स्टडी 24 दोस्तों, ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? तो ये जो प्रोस्पेक्टस आई थी बीएड की, उसमें कुछ कमियां थी पहले वाली में, तो नया प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, और राज्यपाल का नोटिस भी नया जारी किया गया है। तो इस वीडियो में आपको नया वाला नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नया वाला, सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो इसमें बताया गया है, क्लियरली बताया गया है, पिछले नोटिफिकेशन में सब कुछ साफ नहीं था, लेकिन इसमें सब कुछ साफ कर दिया गया है। इसमें दिया गया है रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और शिक्षा शास्त्री के बारे में। तो रेगुलर मोड के बारे में आप लोगों को तो मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था, लेकिन डिस्टेंस मोड के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए कम समय में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करूंगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ गए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहीं से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और नया वाला प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और शिक्षा शास्त्री का ये नोटिफिकेशन आ चुका है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा की तरफ से। ये पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी लेती थी। ये 2 साल का कोर्स होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 2 ईयर्स का बीएड कोर्स है, ठीक है। ये 2 साल का बीएड कोर्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि 2 साल का है कि 4 साल का है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सेट वेट 2020 है, तो ये कोर्स जो आपका होगा ये 2 साल का होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका प्रोस्पेक्टस का लिंक, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस नया वाला। बाकी अब डिटेल थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, नोटिफिकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी जानना, तो वो होता है डेट। तो डेट तो आप सभी को पता ही होगा, जो पिछले वीडियो देख चुके हैं उनको पता होगा, जो नए हैं वो देख लीजिए। आपका 1 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से कर सकते हैं। 2 मार्च आपका लास्ट डेट है आवेदन करने का, तो अभी भी आपके पास समय है, आवेदन कर सकते हैं। 4 मार्च से आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं, अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ या त्रुटि हो चुकी है, ठीक है, तो आप सुधार सकते हैं। और लास्ट डेट आप पेमेंट फीस जो होगा एप्लीकेशन फीस जमा करने का, वो आप 5/3/2020 तक जमा कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का संभावित तिथि जो दिया गया है टेंटेटिव डेट, वो 23 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। संभावित परीक्षा तिथि आपका 29/3/2020 रखा गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस वही है, ₹1000 जनरल के लिए, ₹750 EBC, BC, EWS, वोमेन और डिफरेंटली एबलेट के लिए, यानी दिव्यांग व्यक्ति के लिए ₹750। SC ST वालों के लिए ₹500 रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का लिंक दिया गया है, तो यहाँ पे पुराना वाला लिंक दिया गया है, ठीक है, तो इससे डाउनलोड नहीं करिएगा, ऊपर वाले से करिएगा, इसमें पुराना वाला डाला गया है। और ये देखिएगा, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, आवेदन जो करते हैं वो इस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब चलिए प्रोस्पेक्टस मैं आपको दिखाता हूँ, नया वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये जो दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड कर लिया है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आपने पिछला नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको इसमें अंतर आपको दिखाई दे देगा, पहले ये नहीं था, अब ये डाला गया है। बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2020, सेट वेट 2020, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड, शिक्षा शास्त्री, 2 ईयर्स बीएड कोर्स। आप देख सकते हैं 2 साल का ये कोर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब चलिए बताता हूँ, ये देख सकते हैं नोडल यूनिवर्सिटी क्या होता है। नोडल यूनिवर्सिटी आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, उसे हम नोडल यूनिवर्सिटी कहते हैं। पहले ये तो नोडल यूनिवर्सिटी उसी को कहते हैं जो प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। पहले प्रवेश परीक्षा कौन आयोजित करती थी, तो वो NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है पहले आयोजित करती थी, लेकिन इस बार राजभवन से, राज्यपाल के तरफ से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को दिया गया है ये कार्य, ठीक है।
तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं शैक्षणिक योग्यता वगैरह, ये देख सकते हैं आप, राज्यपाल का संदेश है। आप सभी अवगत हैं कि इस वर्ष में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सेटमेट 2020 के आयोजन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। तो ये राज्यपाल का जो है संदेश है। चलिए अब देखते हैं राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। अब देखते हैं जो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है वो देख लेते हैं। पहले वाले नोटिफिकेशन में बहुत सारी कमियां थी, खैर इसमें सुधार दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और बाहर के जो व्यक्ति हैं उनको एडमिशन लेना होगा, क्लास करना होगा, तो वगैरह वगैरह, उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बिहार के बाहर के लोग भी कर सकते हैं लेकिन उनको ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। अब चलिए बिहार के बारे में बात करते हैं। देखिए शैक्षणिक अर्हता 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 2 ईयर्स बीएड कोर्स, ये 2 साल का कोर्स है। फिर से कमेंट करके ना पूछिएगा कि ये 4 साल का है कि 2 साल का है, तो 2 साल का ये कोर्स है। तो देखेंगे जो सिंपली ग्रेजुएशन है विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, या फिर मानविकी से, या फिर वाणिज्य से यानी कॉमर्स से, तो जो इतने सब्जेक्ट से अगर न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि ले ली है, या फिर बीटेक, जो बीटेक होते हैं। देखिए एक चीज़ और भी अभी यहाँ पे छोड़ा गया है, वो बीसीए वाले को छोड़ दिया गया है। देखिए बीसीए जो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है वो उनको छोड़ दिया गया है, तो इनको भी ग्रेजुएशन की मान्यता दे दी गई है सरकार की तरफ से, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको 55% मार्क्स होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 55% मार्क्स होना चाहिए। किनके लिए? तो जो पीजी कर चुके हैं और उनके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, उनके लिए जो तो पीजी कर चुके हैं और या फिर बीटेक या फिर बीसीए किए हुए हैं, या फिर गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% मार्क्स रखा गया है। इसमें 5% का कमी होता है किसके लिए? तो SC ST छात्रों के लिए, दोनों में, ठीक है। SC ST छात्रों के लिए 5% की छूट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली जो ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स, तो उनको SC ST वाले जो हैं वो 45% अगर उनके पास है तो वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 55% जो पीजी और बीटेक या बीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स है, तो उनके लिए 5% की छूट होगी, तो कितना बच जाएगा? 50% मार्क्स SC ST वाले भर सकते हैं, समझ गए होंगे। तो ये तो था आपका रेगुलर मोड का समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं शिक्षा शास्त्री का, यहाँ पे सेकंड में दिया गया है शिक्षा शास्त्री का। देखिएगा शिक्षा शास्त्री वाले देखेंगे क में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री, जो शास्त्री का डिग्री होती है वो, या फिर बीए संस्कृत को मुख्य सब्जेक्ट यानी ऑनर्स के रूप में रखा हो, वो 50% अगर उनका मार्क्स है तो वो भर सकते हैं, ठीक है, वो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिएगा सेकंड में क्या दिया गया है, ख में, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बीए संस्कृत सहित द्वितीय सॉरी द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम के साथ आचार्य आचार्य का जो कोर्स होता है उनका, अगर वो 2 वर्ष का कर चुके हैं और वो प्रथम वर्ष में हैं और एमए भी कर चुके हैं, एमए कर रहे हैं संस्कृत से, तो प्रथम वर्ष में तो उनके लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। एडमिशन होने के बाद भी आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। प्रशिक्षित निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एमए प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे। तो ये तो था आपका शिक्षा शास्त्री का। अब देखते हैं डिस्टेंस मोड वाले को, क्योंकि इसमें तीनों को शामिल किया गया है, डिस्टेंस मोड को भी। तो डिस्टेंस मोड वाले देखेंगे उनको क्या कहा गया है, तो उनको भी सेम रेगुलेशन दिया गया है, न्यूनतम बीए होना चाहिए 50% मार्क्स से, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ,
और प्लस में आपका क्या होना चाहिए, प्लस में आप किसी भी जॉब में हो, जैसे अप्रशिक्षित सेवा अध्याप सेवारत अध्यापक जो जॉब कर रहे हैं, अनट्रेंड शिक्षक हैं, बिहार में बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं जो अनट्रेंड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, जो प्राइमरी स्कूल में अनट्रेंड शिक्षक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, या फिर वे अभ्यर्थी जिन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूरा किया हो, जैसे NIOS वाले हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, PWD तथा अन्य वर्ग के लिए अंकों में छूट तथा आरक्षण केंद्रीय राज्य सरकार जो भी लागू हो उनके अनुसार होगा, यानी 5% अंक जो है उनको कम लगेगा, 50% की जगह 45% अंक इनको चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर वाले की ही तरह इसमें भी दिया गया है, लेकिन ये जॉब वाले के लिए। डिस्टेंस मोड जो होता है वो अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, अब चलिए काउंसलिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस है, तो एंट्रेंस फीस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, 1,000, 750 और 500, ये तो पहले ही देख लिया। अब देखते हैं काउंसलिंग फीस, यहाँ पे देख सकते हैं आप काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस में भी आपको जब आप ये सेट बेट क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रवेश परीक्षा पास कर जाएंगे, तो आपको काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा काउंसलिंग का देख सकते हैं, वही फीस है जनरल के लिए 1,000, BC, EBC, वोमेन और EWS कैंडिडेट के लिए 750 और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस होगा काउंसलिंग का, ठीक है। काउंसलिंग फीस का यही लगने वाला है। अब देखते हैं नीचे क्या और दिया गया है। तो आप जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, कॉलेज का चयन कर लेने, देखिए यहाँ तीसरे से देख लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज का चयन करना होगा। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको कॉलेज का चयन करना होगा, कॉलेज चूज़ करना होगा। चौथे में देखिए क्या कह रहा है, कॉलेज का चयन कर लेने के बाद आपको उनका प्रीफ्रेंस देना होगा, अर्थात जिस महाविद्यालय को आप पहला प्रीफ्रेंस देंगे उसके आगे एक लिखे, इसी तरह आप जितने कॉलेज को प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो कॉलेज को निर्धारित नहीं किया गया है, आप चाहे तो एक से लेकर 20 कॉलेज तक चूज कर सकते हैं, या जितने भी कॉलेज हैं आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको वरीयता देनी होगी, एक नंबर में कौन सा कॉलेज रखना चाहते हैं वो आपको चूज करना होगा। जब आप चूज़ कर लेंगे, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, वरीयता दे देंगे कौन कौन से कॉलेज को वरीयता देना चाहते हैं, जब आप चूज़ कर लेंगे तो लास्ट में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद छठे में देखिएगा, नोडल यूनिवर्सिटी जो आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा निर्धारित तिथि को आपकी मेरिट और प्रिफरेंस के आधार पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उसके आधार पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद सातवां में देखिएगा क्या क्या है, सातवां में यदि आप अलॉटेड कॉलेज से सहमत हैं तो आप एक्सेप्ट को क्लिक करेंगे, तो जो आपका फॉर्म मिलेगा मेरिट लिस्ट के बाद उसमें अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं है तो डेनी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेनी देखिए यहाँ पे डेनी लिखा हुआ है, डेनी पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप एक्सेप्टेंस के बाद BEd के प्रवेश शुल्क एडमिशन फीस के रूप में आपको 4,000 रुपये देना होगा, 4,000 रुपये आपको देना होगा। किसके लिए, जो सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 4,000 रुपये आपको एडमिशन फीस के रूप में देना होगा, देख सकते हैं पूर्णतः सरकारी महाविद्यालय के लिए। और वही वही बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, अगर मान लिया जाए आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाता है तो आपको कितना पैसा लगेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 25,000, अन्य महाविद्यालय के लिए 25,000, यानी प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 25,000 रुपये एडमिशन फीस के रूप में देना होगा। और सभी प्रक्रियाएं जो है आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही जमा करना होगा। ये तो हो गया आपका एडमिशन फीस, क्लियरली हो गया। अब बात करते हैं कोर्स फीस की, कोर्स फीस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ तो उसे आप लोग देख लेंगे, कोर्स फीस अलग अलग है। तो कोर्स फीस जो है वो आप देख सकते हैं, कोर्स फीस की राशि आपको
एलोटेड कॉलेज जहाँ आपका एडमिशन होने वाला है उस कॉलेज में महाविद्यालय में जमा करना होगा। कोर्स फीस का अलग वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कोर्स फीस कितना है, ठीक है। और उसके बाद आठवां में देखिएगा, यदि आप एलोटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो डेनी, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि डेनी करना होगा अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो। ऐसा करते ही आपको आप अगले काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सहमत हो सकेंगे। अगर आप एडमिशन इस एलोटेड कॉलेज में नहीं लेंगे तो आपको अगले काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, इसके लिए अलग से आपको काउंसलिंग फीस नहीं देना होगा, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको दोबारा काउंसलिंग फीस नहीं देना होगा, अगले काउंसलिंग में फिर से आपको उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराना होगा, जैसे कि कॉलेज चूज करना वगैरह जो है आपको फिर से करना होगा। वहीं पर आप फिर से देखेंगे प्रत्येक काउंसलिंग चक्र में उतने ही अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग करा पाएंगे जितनी सीटें रिक्त रहेंगी, तो आपको सारा कुछ ऑनलाइन जो ऑनलाइन काउंसलिंग ही कराया जाएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो तीन हो सकता है आपका तीन राउंड में काउंसलिंग हो, फर्स्ट राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारा एडमिशन फीस वगैरह जो होता है समय पे नहीं जमा कर पाते हैं तो एडमिशन नहीं होता है, तो वो सेकंड राउंड में करवाते हैं एडमिशन। उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो आप तीसरे राउंड में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तीसरे के बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, सीटें खाली रह जाएंगी और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें बचेंगी वो 2 लाख 2.5 लाख लेकर सीट फुल करेगी। समझ गए होंगे सारा कुछ। अब देखेंगे आरक्षण, आरक्षण आपको जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण में आप लोगों को पता होगा कि SC ST को 16% आरक्षण मिलती है सीटों में, और वहीं अनुसूचित जाति को 1%, यानी ST को 1% और बैकवर्ड क्लास जो आपका EBC BC और OBC होते हैं उनको 18% आरक्षण है सीटों में। पिछड़ा वर्ग BC कैटेगरी को देखेंगे 12% अलग से है, और जो आपका महिला को अलग से आरक्षण है, आरक्षित वर्ग की महिलाएं रिजर्वेड कैटेगरी गर्ल्स RCG और WBC उनको 3% अलग से आरक्षण है। और वहीं बात करेंगे EWS की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 10% सीटें EWS के लिए आरक्षित है, बाकी जो सीटें बचेंगी वो जनरल के लिए होगी। तो यही था जो मुख्य रूप से बताने लायक। अब चलिए देखते हैं और कुछ अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न पुस्तिका में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होगा, प्रवेश परीक्षा में आवंटित अधिकतम अंक 120 है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए OMR सीट उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 120 देखने को मिला, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इसे जोड़िएगा तो 135 हो जाता है, तो यहाँ भी गड़बड़ है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ किया गया है। देखेंगे 5, 5, 10, 15, 20, 5, 25 का 5 और 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11 और 2, 13 135 क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पे बताया गया है 120, तो यहाँ पे पैटर्न भी गलती है। तो पिछला जो प्रोस्पेक्टस था उसमें भी गड़बड़ था, इसमें भी देखिए गड़बड़ कर दिया है, 135 दे दिया गया है, 135 क्वेश्चन 135 मार्क्स का दे दिया गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, विश्वविद्यालय होकर इतनी बड़ी गलती करती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिएगा, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर ना जाएं, जो आपका मार्केट में बुक मिल रहा है उसके अनुसार, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया था बुक के लिए उसको भी देखकर आप बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बिहार में परीक्षाएँ होती है वो आउट ऑफ सिलेबस ही ज़्यादा करके होती है। आपने देखा होगा अधिकतर जो पिछले परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिलेबस पर ना जाए, और सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सकते हैं लेकिन कुछ अलग से भी पढ़ना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा ये जो दिया गया है आपका परीक्षा केंद्र है,
एग्जामिनेशन सेंटर है कौन कौन सा है देखिएगा। तो पटना में आपका एग्जाम सेंटर होगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, आरा। तो इस तरह से आपका इतने सारे एग्जाम सेंटर लिए जाएंगे। और पहले दिया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अब फिर से आपको बता दिया गया है कि OMR पे एग्जाम होने वाली है। ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन ली जाएगी, ठीक है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। जब आप क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लिस्ट दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं, आर्यभट्ट, ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना, भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, तो जितने भी ये लिस्ट दिए गए हैं, इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर इनके द्वारा जो कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज हैं, सरकारी, प्राइवेट, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे में, ठीक है। तो समझ गए होंगे सारा कुछ, तो इसका लिंक मैंने बता ही दिया है कैसे डाउनलोड करना है, बाकी डिटेल्स ये सारा कुछ मैंने पहले भी बताया था, अब फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। ये तो आपका हो गया एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए, अभी जो प्रक्रिया चल रही है ये मैंने 2 बार बताया इस वीडियो में, तो इस बार नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब काउंसलिंग का डेट देख लीजिए, काउंसलिंग के लिए आपको 20/4/2020 से लेकर 22/4/2020 के बीच फर्स्ट राउंड के लिए आपका ओपन होगा लिंक, उस बीच आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटेड जो होगा वो 25/4/2020 को आपको कॉलेज अलॉट का मेरिट लिस्ट वगैरह दिखाई देगा, उस दिन आप देख सकते हैं। और आपका जो पेमेंट फीस होगा ऑनलाइन एडमिशन फीस वगैरह जो है वो 26/4/2020 से लेकर 28/4/2020 के बीच जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला वो आपको 29/4/2020 को कन्फर्म कर दिया जाएगा लिस्ट देकर, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे लास्ट डेट पेमेंट फीस, ये लास्ट डेट है, आप 9/5/2020 तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, जो आपका एडमिशन फीस है वो 9/5/2020 तक जमा कर सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट रिजर्वेड कैटेगरी, ये तो ऊपर जो आपने देखा ये जनरल के लिए था, अब रिजर्वेड कैटेगरी का आरक्षण वाले व्यक्तियों के लिए 1/5/2020 से लेकर 3/5/2020 के बीच ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी, उस दिन आप करवा सकते हैं। 1/5/2020 से लेकर 3/5/2020 के बीच काउंसलिंग होगा, और अलॉटेड कॉलेज आपको 6/5/2020 को दिखाई देगा मेरिट लिस्ट के अनुसार। पेमेंट फीस आप जमा कर सकते हैं काउंसलिंग फीस सॉरी एडमिशन फीस 7/5/2020 से लेकर 9/5/2020 के बीच में एडमिशन फीस जमा कर सकते हैं। आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ वो 10/5/2020 को आपको दिखाया जाएगा। लास्ट डेट पेमेंट ऑफ रेस्ट फी ऑफ एलॉटेड कॉलेज, यानी आपको जो कॉलेज में एडमिशन मिलेगी वो उस कॉलेज में आप 16/5/2020 के बीच एडमिशन फीस जमा कर सकते हैं। और ये सेकंड राउंड का दिया गया, तो सेकंड राउंड के बारे में देखिए, 12/5/2020 से लेकर 14/5/2020 के बीच में आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ कॉलेज एलोटेड जो होगा वो 17/5/2020 को, और डेट ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन आपका 18/5/2020 से लेकर 20/5/2020 के बीच में कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ एडमिटेड लिस्ट जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा वो 21/5/2020 को प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो यही थी मुख्य बातें इस प्रोस्पेक्टस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी जो डिटेल्स हैं विस्तारपूर्वक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसे डाउनलोड करिए और ख़ुद से पढ़िए। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।